हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा एंड आज हम टॉपिक करेंगे डिफरेंस बिटवीन टेलर एंड फेयॉल। सो टेलर और फेयॉल जो अपने प्रिंसिपल्स तो पढ़े हुए हैं, ठीक है, अब इनका डिफरेंस हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहला इनका पॉइंट है कंसर्न। किस चीज़ को लेके कंसर्न थे ये दोनों? टेलर कंसर्न था वर्कर्स की एफिशिएंसी को लेके, मतलब उसने जो प्रिंसिपल्स बनाए हैं, टेक्निक्स बनाई हैं, वो किस लिए बनाई हैं? ताकि वर्कर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए। और फेयॉल ने जो अपने प्रिंसिपल्स बनाए हैं वो किस लिए बनाए थे? मैनेजमेंट की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए। जैसे कि आपको, मतलब मैंने बता दिया, ऐसे याद करना तो मुश्किल है, जैसे कभी कन्फ्यूज भी हो सकते हैं आपके वर्कर्स की एफिशिएंसी इसमें था या इसमें था, तो मैं बताती हूँ कैसे याद करना। जैसे टेलर था अपना, उसका जैसे प्रिंसिपल्स थे ना, मोशन स्टडी, फेटिक स्टडी। फेटिक स्टडी में क्या था कि वर्कर अगर थक जाए तो उसको रेस्ट इंटरवल देने हैं, तो इससे वर्कर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी ना, ताकि वो अपना स्टैमिना रीगेन कर सकेंगे। मोशन स्टडी था अपना, मोशन स्टडी में क्या था, कितनी बार उसको मूवमेंट करना है, अगर उसका कोई वेस्टफुल मूवमेंट है तो उसे कट करना है ना, ताकि उसे थकान ना हो। वर्कर्स की एफिशिएंसी इससे भी इंक्रीज होगी। जैसे कि और है, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, है ना, एक ये भी था, वर्कर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज करो, उनको स्किल्स वगैरह नई नई सिखाओ, ट्रेनिंग दो। तो टेलर क्या चाहता था यहाँ पे, टेलर कि वर्कर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज हो। लेकिन अगर फेयॉल की बात करी जाए तो इसने क्या बनाया, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी में बैलेंस है तो मैनेजमेंट एफिशिएंट होगा। और जैसे कि इसने प्रिंसिपल दिया था सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, है ना, कि दोनों का मिक्सचर यूज करो, इम्पॉर्टेंट जो जितने भी डिसीजंस लेने हैं वो टॉप लेवल एम्प्लॉयज लेंगे, बाकी सब डिसीजंस जो है नीचे के डिपार्टमेंट्स पर छोड़ दो, जिससे मैनेजमेंट एफिशिएंट होगा। ठीक है, आपको बस इनके प्रिंसिपल्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको अपने आप लर्न हो जाएगा कि ये कौन सा वर्कर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज करना चाहता था, कौन सा मैनेजमेंट की। अब इन दोनों के ऊपर ही बाकी सब बेस्ड है। देखिए लेवल, लेवल इसने कहाँ से स्टार्ट किया था, टेलर स्टार्टेड हिज स्टडीज फ्रॉम द लोएस्ट लेवल। अभी लोएस्ट लेवल कहाँ से आया, वर्कर्स से, है ना, लोएस्ट लेवल पे होते हैं ना, सबसे नीचे की तरफ होते हैं वर्कर्स, तो इसको याद करने का ये तरीका है, वर्कर्स से रिलेटेड है अपना लोएस्ट लेवल। लेकिन इसने कहाँ से स्टार्ट किया, फ्रॉम हाईएस्ट लेवल। अभी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मैनेजर्स टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं, तो इसने कहाँ से स्टार्ट किया, हाईएस्ट लेवल से। आगे अब देखते हैं नेक्स्ट एम्फेसिस टेलर का किस पे था, ऑन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। अभी हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था ना, सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, तो इसमें क्या था, ये क्या बोलना चाह रहा था टेलर, कि जो भी अपना हम काम कर रहे हैं उसमें शुरू से ही हमें स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना है, स्टार्टिंग से ही। तो ये टेलर का एम्फेसिस था। बट फेयॉल किस चीज पर ध्यान दे रहा था, ऑन फंक्शंस ऑफ मैनेजर्स, ये वर्क पर, यानी काम पर, जो आपके वर्कर्स काम कर रहे हैं, लोअस्ट लेवल के वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनके वर्क को स्टैंडर्डाइज करना चाहता था, है ना, सब एक दूसरे से रिलेटेड है तीनों लाइंस। लेकिन ये क्या चाहता था इसका, कि क्या मेन एम्फेसिस था, ऑन फंक्शंस ऑफ मैनेजर, के मैनेजर जो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं वो सही तरीके से परफॉर्म करें, वो एफिशिएंटली परफॉर्म करें, है ना। देखो यहाँ पे ये तीनों एक जैसे हैं, लिंक है, बस आपको फर्स्ट पॉइंट है और जो तो थोड़ा सा लर्न करना है, बाकी सारे एक दूसरे से लिंक हो जाएंगे अपने आप ही। अभी देखो टेलर का फोकस किस चीज पर था, एलिमिनेट वेस्टफुल मूवमेंट्स, कि जितने भी वेस्टफुल मूवमेंट्स हो रहे हैं वर्कर्स के वो सब ना हो, जो कि किसमें था, मोशन स्टडी में, है ना, सेव एनर्जी ऑफ वर्कर्स। अभी वेस्टफुल मूवमेंट्स हैं जहां वर्कर्स को बार 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 उठना पड़ रहा है और जरूरत भी नहीं है, वो चीज जो है कम किया जा सकता है उसका बार बार उठना, तो अगर वो चीज कम की जाती है तो उनकी एनर्जी भी सेव हो जाती है, एनर्जी सेव हो गई, टाइम सेव हो गया, तो इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है ना। तो ये टेलर जो है इसका फोकस इस चीज पर था। लेकिन फेयॉल का मेन फोकस किस चीज पर था, ऑन बेटर मैनेजमेंट, यानी जो मैनेज किया जा रहा है सबको, जो मैनेजर्स जो अपना काम परफॉर्म करें, जितने भी फंक्शंस परफॉर्म करें, वो बेटर तरीके से करें और ज्यादा बेहतर तरीके से करें। आगे देखते हैं मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन। अभी टेलर ने हमें क्या क्या दिया था, एक तो उसने क्या दिए हैं, साइंटिफिक टेक्निक्स दी है और साथ में साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए हैं। और फेयॉल ने क्या दिया है, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, पर्सनालिटी दोनों की कैसी थी, ही डेवलप्ड द पर्सनालिटी ऑफ साइंटिस्ट, ये एक साइंटिस्ट था और साथ में फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बना,
साइंटिफिक मैनेजमेंट कैसे, क्योंकि उसने क्या दिया था, साइंटिफिक टेक्निक्स और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए थे. अभी फियोल की बात करते हैं, तो फियोल क्या था, एक रिसर्चर था, एक प्रैक्टिशनर था और साथ में फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, क्योंकि उसने जनरल मैनेजमेंट से रिलेटेड 14 प्रिंसिपल्स दिए थे. तो ही बिकम्स फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट. आगे देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यूनिटी ऑफ कमांड. सो डिडंट फॉलो दिस प्रिंसिपल, इसने ये प्रिंसिपल बिल्कुल भी फॉलो नहीं करा, बल्कि इसने क्या कहा कि मिनिमम 8 बॉसेस होने चाहिए, कि 8 बॉस होने चाहिए जो हर एक चीज को अपने अपने तरीके से जो है मैनेज करेंगे. जैसे कि कोई टाइम चेक कर रहा है, कोई कॉस्ट चेक कर रहा है, हर बॉस अपना अलग अलग चीज चेक करेगा. लेकिन यहाँ पे क्या बात हो रही है, ही स्ट्रिक्टली फॉलो दिस प्रिंसिपल, उसने बोला कि ये प्रिंसिपल जो है उसने बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो किया है. अभी यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है, मैंने मीनिंग यहाँ पे लिख दिया, वन बॉस फॉर वन एम्प्लॉय, यानी एक एम्प्लॉय के ऊपर सिर्फ एक ही बॉस होगा, वो जाके उसी को रिपोर्ट करेगा. ठीक है, कई सारे बॉसेस नहीं होंगे, क्योंकि जितने ज्यादा बॉसेस होंगे उतनी दिक्कत होगी, अब एम्प्लॉय भी सोच में पड़ जाएगा भाई किसका काम करूं किसका काम छोड़ूं, है ना. जैसे स्कूल में होता है आपके, आप लोग होमवर्क आपको मिलता है, आप लोग क्या करते हैं, बड़ी सारी टीचर्स होमवर्क देती है, लेकिन जो टीचर ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है और पिटाई करती है उसका पहले होमवर्क करते हैं ना. तो यहाँ एम्प्लॉय को भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, इसलिए यहाँ बोला गया है कि एक एम्प्लॉय के ऊपर सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए. आगे बढ़ते हैं, एक्सप्रेशन, हिज टेक्निक्स आर एक्सप्रेस्ड एज साइंटिफिक मैनेजमेंट. इसकी टेक्निक्स किस तरह से एक्सप्रेस होती हैं, एज अ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसकी इसने क्या दिया था, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए थे और साइंटिफिक टेक्निक्स दी थी, है ना. लेकिन इसके साथ क्या होता है, इसके प्रिंसिपल्स के साथ, एज जनरल थियरी ऑफ मैनेजमेंट, इसके जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो कैसे एक्सप्रेस हो रहे हैं, जनरल थियरी, जनरल यानी मतलब हर जगह अप्लाई होने वाला कोई भी जो है मैनेजमेंट का प्रिंसिपल. आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेबिलिटी. अभी इस केस में क्या है, एप्लीकेबल टू स्पेशलाइज सिचुएशन, किसी स्पेशल सिचुएशन में ही लगता है. जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे मैं दे देती हूँ एक फंक्शनल फॉरमैनशिप. अभी यहाँ पे है 8 बोसेज है, लेकिन आपका कोई छोटा सा फर्म है, या आप किसी स्कूल में काम कर रहे हो, या ऐसे कोई भी कुछ और आपकी फर्म है जिसमें इतने सारे बॉसेज आप नहीं अरेंज कर सकते हो, तो वहां पे ये प्रिंसिपल नहीं लगेगा, किसी स्पेशल सिचुएशन में ही लगता है. बट अगर इसकी बात की जाए यहाँ पे, यानी जो आपके 14 प्रिंसिपल्स हैं इनकी बात की जाए, तो दे आर एप्लीकेबल यूनिवर्सली, ये हर जगह अप्लाई हो जाता है. जैसे कि डिवीजन ऑफ वर्क हर जगह अप्लाई होता है, बहुत सारा काम है उसे छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड करना बहुत ईजी है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कॉलेज हो, कुछ भी हो, कोई भी कंपनी हो. जैसे कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो आपका प्रिंसिपल है वो भी, अभी जितनी, इसका मतलब क्या है कि जितना आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं उसके बराबर की आप अथॉरिटी दे दो काम करने के लिए, है ना. तो ये जो 14 प्रिंसिपल्स हैं हर जगह इजीली अप्लाई हो जाते हैं, बट ये किसी स्पेशल सिचुएशंस में ही लगते हैं. आगे बढ़ते हैं, रिलेवेंस ऑफ टेलर एंड फियोल्स प्रिंसिपल, या सिमिलैरिटीज क्या हैं टेलर और फियोल के प्रिंसिपल्स में, क्या सिमिलैरिटीज. अभी डिफरेंस तो पढ़ लिया, अभी सिमिलैरिटीज पढ़ते हैं. अभी देखो, फर्स्ट सिमिलैरिटी है, बोथ एम्स टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी, दोनों ही एफिशिएंसी इंप्रूव करना चाहते हैं. बस एफिशिएंसी तो इंप्रूव करना चाहते हैं, बस एक जो है वर्कर्स की एफिशिएंसी पर ध्यान देता है और एक मैनेजमेंट की एफिशिएंसी पर, लेकिन दोनों का मेन फोकस तो यही है ना कि एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाए. आगे बढ़ते हैं, बोथ इंसिस्ट ऑन कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, दोनों ही यही चाहते हैं कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय में कोऑपरेशन हो. जैसे अपना मेंटल रेवोल्यूशन था, एक हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, है ना, ये सारे प्रिंसिपल्स हैं जो ये कहते हैं कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में कोऑपरेशन होनी चाहिए, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. आगे बढ़ते हैं, बोथ गिव मोर इम्पोर्टेंस टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट, दोनों ही प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट बाद में है, पहले ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट है, पहले उस पर फोकस किया जा रहा है. जैसे कि आपका एक प्रिंसिपल है, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ये इसका एग्जाम्पल है. आगे बढ़ते हैं, बोथ सजेस्ट डिवीजन ऑफ वर्क्स फॉर स्पेशलाइजेशन, दोनों ने क्या बोला, वर्क को डिवाइड कर दो ताकि स्पेशलाइजेशन आ जाए, है ना. नेक्स्ट और लास्ट है आपका, बोथ प्रिंसिपल्स आर यूज्ड एज बेसिस फॉर रिसर्च इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, दोनों ही प्रिंसिपल कैसे यूज होते हैं, एज बेसिस फॉर रिसर्च, यानी रिसर्च के लिए मैनेजमेंट में कोई भी रिसर्च करनी है तो दोनों ही प्रिंसिपल्स को यूज किया जाता है. इसी के साथ आपका ये वीडियो खत्म हुआ, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड नोट्स चाहिए तो प्लीज मुझे व्हाट्सअप कर देना, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा.